हैं जो जख्मी किया हुआ है। ये देख रहे हैं यहाँ से इसको जख्मी किया है, आपको सही नजर आ रही होगी। तो व्यूअर ये वाली गोती जिसने बच्चे खाया है, मुंह चेक करे, पैंट मेरे 10 कबूतर खा गई है। ये देखें व्यूअर, आ गया आ गया आ गया। ये देखे है घड़े से बच्चा, पीछे छोटी को देखें, वो देखें यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो व्यूअर आज के व्लॉग को करते हैं शुरू, और आज व्लॉग के शुरू में ही बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि हमारे घर जो गो आई है ना, उसने तकरीबन हमारे 8 से 10 बच्चे मार दिए हैं कबूतरों के और खा गई है। तो उसके लिए आज हम ना जो पिंजरा मैंने आपको दिखाया था वो लगाने वाले हैं। और व्यूअर मैं ना कजन को बुलाने आया कि ना मेरे साथ ना वो पिंजरा साइड पर रखा हो, क्योंकि ना वो गो ना कबूतर आकर मारती है। जब इसके पास आया ना तो इसने कहा मेरे भी कबूतर गो ने मार दिए और हमने गो को भी मार दिया है। इसी जगह पर आई है, ये देख रहे हैं इस जगह पर आई है। यहाँ पर गोडल थी वो ना हमने दूसरी जगह पर रखी है। ये देख मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, पहले ये देख और अंदर से दिखा देता हूँ कबूतरों के हालात। ये देखें व्यूअर, ये कबूतर हैं, इनके कितने कबूतर खाए, 2 कबूतर इनके खा गई है, ये देख रहे हैं। और तीसरा हम आपको दिखाने वाले हैं जो जख्मी किया हुआ है, ये कबूतर बैठे हैं। आगे ना दरवाजा है, हाँ ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ से इसको जख्मी किया है। ये देखें यार, इसकी ना पूरी जो टांग है ना वो खराब हो गई है, ये आपको सही नजर आ रही होगी। ये देखना, मैं इसको ना यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं। ये देखें, ये चल भी नहीं सकता यार, कितना खराब है, इसको कर दिया। ये देखें, ये ना वो टांग जमीन पर नहीं लगा सकता, इसको ना गो ने खराब कर दिया। वो टांग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें यार, ये टांग थी ये, और ये देखें यार, और तो ना जाएगा, इसको पकड़ते हैं यार भी। ये देख रहे हैं इसकी ना ये वाली जो टांग है ना, ये देखें ये वाली जगह थी। वीवर गो आ चुकी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम सराकी में गो कहते हैं। वीवर ये वाली गो थी जिसने बच्चे खाए हैं, ये देख रहे हैं इस कुत्ते ने मार दिया यार। इस कुत्ते का कमाल है कि इस गो को मार दिया, वरना बहुत ही मुश्किल है। ये देख रहे हैं, आपको करीब से दिखाता हूँ यार, ये देख इसके मुंह चेक करे, पैंट मेरे 10 कबूतर खा गई है। ये देखे कितनी बड़ी है, पूछल कुत्ते को मार देना तो कुत्ता करीब नहीं आता, इसके इतना गजब का पूछल लगता है। ये देख रहे हैं इसका पूछल चेक करें, ये कितनी बड़ी है। इसने तकरीबन 8-10 मेरे खाए हैं, मेरे जितने भी बच्चे थे ना हमारे घर कबूतरों के, सबको खा गई है। और साथ कजन के 2 से 3 खा गए और एक को जख्मी भी किया है। यहाँ पर थी, यहाँ से गई है, मेरे कबूतर जो है ना वो उस साइड पर है, वहाँ पर खाए, और इसके बाद दोबारा इस जगह पर आ गई, और इसके बाद यहाँ पर आई। ये बाहर ना चौक वगैरह पर कबूतर थे, यहाँ से गुजर कर इनका तख्ता भी उलट दिया है, बस पता चल गया या कुत्ते ने जैसे भी देख लिया है ना, इसके बाद इसकी खुट गई है, वरना ये जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना उनको खा कर जाती है। इसका काम करने वाले हैं व्यूअर, हम इसको ना कहीं पर जगह पर दफन करते हैं। इस कुत्ते का कमाल है, इसने हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है। ये देख रहे हैं, आगे आगे चले जा, आगे आगे, इसकी ना बो आएगी बहुत ही खतरनाक। थोड़ा सा इस्तेमाल वखरा करके, ये देख रहे हैं, ये व्यूअर इसका काम हो गया तमाम। अब जाते हैं उस पिंजरे को आगे लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ लाजमी दूसरा आएगा, दूसरी जो गो होगी ना वो लाजमी आएगी, इसलिए उसका काम पक्का करते हैं। चलिए तो व्यूअर ये वाला पिंजरा भी उठाते हैं यहाँ से और फिर लगाते हैं यहाँ पर। कजन आ चुका है, ये मोबाइल पकड़, सर ये यहाँ से नहीं निकल रहा, ये देखना। तो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं ये पिंजरा जो उस दिन मैंने आपको दिखाया अभी था, ये वाला, ये अभी हमने फिट करना है इसके आगे। पहले वो सरिये निकाल देते हैं, वो ना बड़ी मुश्किल से हमें ना आगे से बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि किसी जगह पर हमने वो पिंजरा लगाना है। मेरा स्टैंड आ चुका है ट्रैक्टर के ऊपर, तो अभी बार अभी हमें हौला मिल चुका है इसके साथ, इसको खड़ते हैं, वैसे तो ये मुश्किल है, वो पक्की छोड़ बहुत ही बीवा मुश्किल है। ये डर गए कबूतर, डर गए व्यूअर, अभी कुछ ये इस तरह से होने वाला। वो इतना व्यूअर इतना जमीन के अंदर था इसी नीचे, अब इसको निकालते हैं। तो व्यूअर अभी हम लड़के आ चुके हैं, 2 कजन और मैं, इसको उठाते हैं। पहले इसको सीधा करो ना, फिर मैं मोबाइल को किसी जगह पर रखता हूँ, मुझे तो लगता है आप लेकर आ जाओगे, मेरी जरूरत ही नहीं है। यह देखें व्यूअर,
ये कुछ दिन पहले लगी हुई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि सर्दियां चली गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, गर्मियां चली गई हैं, आप ज़रूरत नहीं है, लेकिन गो ने कहा नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें इस तरह से बड़ी ऊपर ओढ़ी हुई थी, ये देखें व्यूअर इसी तरह से सीधी लेकर जानी उसके आगे, ये देख रहे हैं व्यूअर आगे 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 वो आगे, ये देखें व्यूअर आप देखें आगे उस तरफ आगे, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे थोड़ी सी जाने दे थोड़ी सी बस 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 दरवाजे का आगे आ जाएगी। तो व्यूअर ये हमने कैसे लगानी है, क्योंकि ये इसके अंदर ना दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, तो इसके नीचे हम ईंटें लगाएंगे इस तरफ से, ये ऊपर हो जाएगी, ऊपर करना हाँ ऐसे लगा दे, दो ईंटें लगा दे या तीन उसी जगह पर लगा, बाद में मैं लगा लूँगा, बस 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 ऊपर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये ले ये देख रहे हैं व्यूअर अब जगह बन चुकी है, अब एक ईंट और रखेंगे या दो, मैं उसके लिए नया थल, ये देख ये लग चुकी है हमारी ढाक, अब गो आई वो तो हमने मार दिया, अगर इसके पीछे कोई और आई तो उसका तख्ता भी हम उसी कुत्ते से मरवा देंगे। तो व्यूअर मेरे तकरीबन जितने भी बच्चे थे ना इस गोडन में सब के सब खा गए, तकरीबन 8 से 10 बच्चे थे, 5 जोड़े, ये देख रहे हैं ये हवा के लिए लगी हुई है रोशनदान, ये देखें यहाँ से तो नज़र भी कुछ नहीं आता कैमरे में। अभी हम लगाते हैं ईंटें वगैरह, इसको सेट करते हैं, मोबाइल को कैमरा किसी जगह पर लगा दे, वेलकम बैक व्यूअर। तो व्यूअर हमने जो पिंजरा था वो हमने लगा लिया है, ये देखें अभी इसकी कोई सेटिंग करनी है, वो जब सेटिंग करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, ये देख रहे हैं ये लगा लिया, यहाँ पर ईंटें लगाएंगे, इस तरफ ही लग चुकी हैं, यहाँ पर आगे लगानी है, वो जब मैं लगाऊंगा तो बाद में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं जो बहुत ही ज़्यादा पसीना आ चुका है, ये देख रहे हैं ये पंखे पर बैठते हैं और बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह। और आज हम एक न्यू काम करने वाले हैं, वो कौन सा है वो तो मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। ये देख रहे हैं आपको कुछ न्यू नज़र आ रहा होगा, ये तो पंखा घोड़ी के ऊपर चला हुआ है ना, ये गर्मी की हुई है, ये होती है सपाट जो घोड़े के ऊपर नहीं रखी जाती, ये इस तरह से, ये देख रहे हैं इसके आदमी ऊपर बैठता है, ये घोड़े को ऊपर रखनी है, फिर वो रखनी है वहाँ पर इसकी, यानी कि जो कमर है ना इसके ऊपर, ये देख रहे हैं घड़े दे बचिया, ये अभी रखते हैं इसके ऊपर और फिर इसका ना जो शगल होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखें ये हो चुकी है ओके, छोटी देख रहे हैं वो वाली, ये देखें व्यूअर जिसको मैंने पीछे रोका हुआ है वो आगे जा रही है, इसको पीछे से छोड़ेंगे, ये देखें ना सबर सबर रोक यार रोक, वो देखें वो आ गए थोड़े के बच्चे, वो पीछे गए, वो पीछे चली गई है, वो देखें वो देखें वो देखें। तो व्यूअर अभी हम लेकर जा रहे हैं नहर की दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो जगह वगैरह है ना यहाँ पर घोड़ी का गिरने का खतरा है, ये देख रहे हैं वो ना छोटी बछेरी के पीछे ना भाग रही है, वो पीछे चली गई और ये भी वहीं पीछे भाग, ये देखें उसकी जो छोटी बछेरी है ना वो पीछे वो अंदर चली गई है, वो दोबारा आ रही है, वो देखें वो देखें वो देखें यार वो। मैंने आपको कहा था ना कुछ देर पहले कि मैं दिखाऊंगा भगा कर, आज दिखाने वाला हूँ छोटी बछेरी बड़ी। और आपको मैं मौसम दिखा देता हूँ, ये देखें यार कैसा प्यारा मौसम बना हुआ है, हमारे पास जो मूंगी की फसल है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखें अगर आपने काल वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने एक प्रेशर भी दिखाई थी, उसके साथ इस साइड पर मौसम दिखाऊँ माहौल आपको गाँव का, तो यहाँ पर ये आदमी यहाँ पर माल वगैरह चरा रहे हैं कज़न, ये देखें ये कपास की फसल है ये वाली, और इसके साथ वो माल चर रहा है, और वहाँ पर मूंगी की ढोई की हुई है, वो देखें इस साइड पर अभी घोड़ी तो आगे जाती नहीं है, उसके पास जाते हैं, वो ना मूंगी की सफाई वगैरह कर रहा है, इन्होंने निकाल लिया है, चाचू का है आगे हाली कहते हैं, मुजेरा भी कहते हैं, हिस्सेदार भी कहते हैं, ये देख अस्सलाम वालेकुम सुना पप्पू तबीयत से ठीक है फिट, मूंगी तो दिखा मैं हाथ, ये भी बार मूंगी है, ये देख देख कितने गट्टू निकले हैं, 9 6.5 और 9.25 अच्छा
इधर वैसे ना ये आगे साथ नहीं आती थी, तो हमने इसके घाटे में ना रस्सी डाल दी। दोबारा इसको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि घोड़ी अकेली आगे नहीं जाती, वो पीछे भागती है इसकी तरह। अभी हम इसके गले में रस्सी डालकर दोबारा लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, आज तो यार कमाल ओ, इसको कहते हैं घोड़े के बच्चा। बजा नहीं बजा तो औकात ही दे। ओ माय गॉड, यार इसको कहते हैं छोटी चपली है ना, मुझे तो आज पहली बार इसको देखकर हंसी आ रही है। है घोड़े तो बच्चा, ये देखे भी अभी जा रही है। लड़का गिरने वाला है आज, थोड़ी ने लात मार दिया है। इसकी आंख में मट्टी चली गई है। और फानू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? और हाजी ये साइकिल है अभी, इस पर मैंने कभी एक्सपेरिमेंट बनाना है, इस साइकिल पर एक्सपेरिमेंट कभी बनाएंगे इंशाल्लाह। ओ विवर पहुंच चुके हैं हम अपनी नहर पर, और घोड़ी वो आगे जा रही है आस्ता आस्ता से। मैं तो पीछे भाग भाग कर भी थक गया हूँ। तो पहुंच चुके हम नहर के दूसरी तरफ। यह हमारी नहर, शाम का व्यू है, ये हमारी पुल है, और ये देख, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर घोड़ी लेकर। ये कोई पानी वगैरह डालता रहा है शायद, किसी ने कोई टैंक वगैरह भरी है पानी। अभी और मैं तो साथ भाग भाग कर भी थक चुका हूँ। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, अगर वहाँ से आई तो फिर हम दिखाएंगे। ये देख रहे हैं, ये घोड़ी ने हर जगह ख़राब कर देती है गुआरे के अंदर। ये देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होते हैं, वो देख अभी आ चुकी है फुल स्पीड से, दिखाते हैं हम, वो देखें है घोड़े से बच्चा। पीछे छोटी को देखें, वो देखें यार है घोड़े से बच्चे यार, वो पीछे देखें, पीछे पीछे पीछे, वो देखें यार यार कमाल इसकी है छोटी की। इसको पता चला ये तकरीबन 1 किलोमीटर से आ गए हैं ऊपर सवार होने के लिए। इसको भी शौक लगी हुई है न्यू, इन्होंने एक घोड़ी ली है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी फुल सफ़ेद। अभी लेकर इसको चलते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम, ये माल किसका है? सारा माशाल्लाह, ये देखे ये कहता है ये सारा माल हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किसका बेटा है? इकबाल का। ओ माशाल्लाह, शाबाश शाबाश। वापस जा रहे हो? किस टाइम गए थे माल के लिए? वो रोटी फिर नहीं गई? जरूर ना बोलना, सच बताना, पीछे आई थी रोटी? माशाल्लाह, ये अभी सुबह के गए हुए माल के साथ और आप वापस आ रहे हैं, कहते हैं रोटी साथ आई है, पहले झूठ बनाए कि हमारे नंबर बन रहे हैं। ये क्यों लड़का ही बताए? ओ विवर ये ना बीमार हो चुकी है कि वतन ही ख़राब है, उसके लिए ना उसको कंधों के ऊपर रखा हुआ है। यार देखें ऐसे दिन भी आ जाते हैं कभी कभी जब किस्मत ख़राब हो जाए ना। तो विवर वो देखें ना सूरज का सीन यार, सूरज ना आज बेचारा दरमियान से ना सूरज कटा हुआ लग रहा है नज़ारा।